दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज 18वां इंटरनेशनल कन्वेंशन यहां पर शुरू हो चुका है मुंबई के षणमुखानंदा ऑडिटोरियम में। आज मेरा सोमवार है और आज मैं आपको यूट्यूब पे एक सुंदर कहानी भी लेके आऊँगा, लेकिन एक बढ़िया सा माहौल यहाँ पर जमा हुआ है। कम से कम 3000 लोग यहाँ पर उपस्थित है, अलग अलग प्रांत के लोग उपस्थित है। अभी एक COT एजेंट सूरत के और डिवीजन के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर नीलेश मोदी जी का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी आइडिया, प्रैक्टिकल शेयरिंग्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर लोग लुफ्त इसका उठा रहे हैं। और अब मैं आपको आज की कहानी बताऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त रोचक कहानी है। अपने लाइफ के अंदर में आगे कैसे बढ़ना है उसकी कहानी मैं बताऊँगा। बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज सोमवार है, सोमवार को मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो रहती है, मेरा कमिटमेंट है, बरसों से मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ। आज एक बहुत छोटी सी कहानी से मैं आपको शुरुआत करूँगा और वो कहानी आपको गारंटी देता हूँ कि हम जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ न करें, इसके लिए कहानी है। दोस्तों एक गाँव के अंदर में मेला लगा था और अगल बगल के गाँव के बहुत सारे लोग उस मेले के अंदर में आते थे और सब सामान खरीदते थे। 4-5 गाँव दूर से एक बाप और एक बेटा वहाँ पर आए, उस मेले के अंदर में आए और उन्होंने एक टट्टू ख़रीदा और वो टट्टू ख़रीदते हुए वो जा रहे थे अपनी गांव की तरफ में। जब पहला गांव उन्होंने क्रॉस किया तो गांव के लोग मरमरिंग कर रहे थे। क्या मरमरिंग कर रहे थे कि टट्टू ख़रीदा है तो बाप और बेटा चल क्यों रहे हो, अरे टट्टू के ऊपर सवार हो जाओ। वो बाप बेटा ने सोचा बात तो सही है और बाप और बेटा दोनों जो है वो टट्टू के ऊपर सवार हो गए। अब जैसे वो सवार होकर जा रहे थे दूसरे गाँव में, और दूसरा गांव जब क्रॉस किया तो वहाँ के लोग भी मरमरिंग कर रहे थे, आपस में गुपसुप कर रहे थे। बाप बेटे ने किसी को पूछा ये किस चीज़ की घुसपुस हो रही है, तो एक जन ने जवाब दिया कि भाई जानवर है, इसका मतलब क्या उसकी जान ले लोगे, हाँ बाप और बेटा दोनों सवार हो गए हो, जरा तो दया होनी चाहिए आप लोगों को, कोई इस तरह का बर्ताव करता है। तो बाप बेटे ने सोचा ये भी बात सही है, तो बेटा चलने लगा और बाप जो है वो टट्टू के ऊपर सवार था। तीसरा गांव आया तो वापस मरमरिंग शुरू हो गई और लोग बोलने लगे कि ये क्या ज़माना आया, देखो बाप बैठा हुआ है और जवान बेटा जो है वो चल रहा है, बाप को शर्म नहीं आती। अगले गांव के अंदर में इन्होंने वापस चेंज कर दिया, अब जो है बेटा सवार हो गया और बाप चलने लगा। अब जब बाप चलने लगा तो लोग वापस मरमरिंग शुरू कर गई, लोगों ने बोला क्या ज़माना आया, देखो जवान बेटा बैठा हुआ है और बूढ़ा बाप बेचारा चल रहा है। बोले ये भी तो बात सही है। बोले अब करना क्या, अब एक ही सिचुएशन बची थी कि इन लोगों ने टट्टू को बांधा और टट्टू को बांध के वो उसको उठाते हुए चल रहे थे। अब जरा सोचो जब वो अपने गांव के अंदर में पहुंचे तो उस गांव वाले लोग इतने हंस रहे थे कि इन लोगों ने टट्टू खरीदा है, चलो टट्टू पे बैठना तो छोड़ो, टट्टू के ऊपर एक बाप एक बेटा बैठे तो ठीक है, यहाँ पर तो दोनों टट्टू को उठा रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि कभी भी किसी की सुनना नहीं चाहिए, आपके मन की आप करो, आपको मन में जो लगे वो आप करो। आज यहाँ पर 3000 लोग जो उपस्थित हुए ना, ये उनकी मन की सुन के आए, किसी की सुन के रुके नहीं। उनको मालूम था कि सक्सेसफुल होना है तो मुझे मेरे मन की सुननी पड़ेगी। आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम के अंदर में हमेशा से आपका मन जो कहता वो करो, वरना दुनिया तो कुछ भी करो दुनिया तो हंसेगी हंसेगी और हंसेगी। वो बड़ा सा प्यारा सा गाना है ना राजेश खन्ना जी का, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे, कुछ भी करोगे लोग कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी दुनिया कहेगी निकम्मा है कहीं का। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने मन की करो। मैं एक चीज़ कहता हूँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। अपने मन को मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। हमेशा से ये चीज़ ध्यान रखना और अपने लाइफ के अंदर में आपके मन की आवाज़ को सुनना और लाइफ के अंदर में आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। वापिस अगले सोमवार को मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।